hello everyone uh, in this session we will continue our uh, discussion of um, chemical properties of metals so in this uh, session uh, we are starting with the reaction of metal oxides with water okay so uh, for every reaction of metal oxide with water there will be a backbone equation okay दिस इज द बैकवॉन इक्वेशन कि जहाँ पे मेटल ऑक्साइड जब वॉटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा देर विल बी अ ऑलवेज अ प्रोडक्ट विल बी अ हाइड्रो ऑक्साइड हाँ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन द हाइड्रो ऑक्साइड नेचर कैन बी चेंज ओके इट मे बी सॉलिबल और इट मे बी इनसॉलिबल ओके बट द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल भी ऑलवेज विल बी अ हाइड्रो ऑक्साइड ओके सो नाउ लेट्स Uh, see uh, with the example what I have written here metal oxide with water give rise to hydroxide and it is soluble and insoluble okay if the metal oxide if the metal oxide is sodium potassium or magnesium the reaction will uh, the product will be a uh, uh, soluble hydroxide okay like KoH uh, NaOH <clears throat> MgOH2 like okay and if the uh, metal oxides are of calcium or aluminum the hydroxide will be insoluble in nature okay so let's uh, see few example few equation okay so here the first uh, example is of magnesium oxide when it is react with water it gave rise to mgoh2 okay again it will be soluble okay and when the uh, calcium oxide it is uh, S is in solid state okay so cao will uh, react with water. it give, uh, give rise to caoh2 calcium hydroxide. okay, that will be insoluble. calcium solid is and third one is al 20 3 plus water that is 2aloh3 and the last one is na2o plus water. it give rise to naoh. Na okay, so what is the key point is here. whenever the metal oxide react with water, it give बेसिक ऑक्साइड दिज आर बेसिक ऑक्साइड तो अलकली नेचर विल बी मोर प्रोमिनेंट ओके इट वॉन्ट बी एसिडिक प्रोडक्ट इट विल बी अलकलाइन प्रोडक्ट ओके एम जी ओ एस टू सी ए ओ टू एल ओ एस आर द अल्कली इन नेचर ओके बेसिक इन नेचर तो यू हैव टू रिमेंबर कि द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर गिव्स अ हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट okay, depending upon a uh, type of metal, it may be soluble or insoluble. and the third point is it will be a, a, a basic hydroxide. Okay. it will be a alkali in nature. Okay. now, uh, we will uh, going to take the second uh, reaction with acid reaction of metal oxide with acids. Okay. so the backbone equation will be a, a metal when it react with a dilute acid. देर विल बी अ सॉल्टॉमेशन हाइड्रोजन विल भी लिबरेटेड ये हमको हमेशा याद रखना है कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑलवेज कि साइड uh, प्रोडक्ट क्या बनते हैं सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट प्लस क्या तो ऐसा करके अपन को अगर फिलिंग अब्लाइंस के फॉर्म में क्वेश्चन आ रही है सो वी हैव टू रिमेंबर दिस बैकबोन वाला जो अपना बैकबोन इक्वेसन है ना हर हर रिएक्शन का अपने को ध्यान रखना है ओके सो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव अस अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं देखो व्हेन एम जी डैट इज़ अ मेटल इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिल हाइड्रोक्लोराइड एसिड द प्रोडक्ट इज एम जी टू प्लस हाइड्रोजन ओके सो थोड़ा सा अगर इसको अगर अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझना चाहें तो यू नो कि एम जी इज़ एटॉमिक नंबर इज़ ट्वेल्व ओके सो हाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेसड इट विल बी प्लेसड लाइक टू कॉमा एट कॉमा टू डेट इज टोटल ट्वेल्व ओके अगेन क्लोरीन क्लोरिन इज सेवनटीन एटॉमिक नंबर इट द इलेक्ट्रॉन विल बी इन फॉर्म ऑफ टू कॉमा एट कॉमा सेवन सो वैन यू लुक एट क्लोरिन यू विल फाइंड कि इफ वन इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग और नॉट मिसिंग इट इज़ अ डेफिशेंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरिन इफ इट गेट एक्स्ट्रा वन इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द ऑक्टेट ओके डैट इज मोक् मोक्ष मिलने के लिए क्या चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ठीक है अब वो आएगा कहाँ से कंसिडरिंग अगर आप एम जी को देखो तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्यों देगा क्या अगर ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर चले जाएँ तो इसके पास भी ऑक्टेट अटेन हो जाएगा ऑक्टेट आ जाएगी कंडीशन और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इनको भी ऑक्टेट अटेन हो जाएगा दैट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑल द केमिकल बॉन्डिंग और कॉम्बिनेशन इन केमिस्ट्री की भाई ऑक्टेट हो जाना चाहिए मोक्ष मिलनी चाहिए अपने को तो लाइकवाइज एम जी क्या करेगी कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों क्लोरीन को दे देगी है ना तो एम जी का भी टू एट हो जाएगा और क्लोरीन की जो नई कंडीशन आएगी वो भी टू एट कॉमा एट हो जाएगी है ना तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हुआ तो डैट इज एक सिंगल सिंगल बॉन्ड अपने को मिल गया तो हमेशा हमको याद रखना है वो आई हैव टू रिमेंबर कि एसिड के अंदर क्या होता है कि हमेशा डायल्यूट एसिड के साथ जब भी कोई मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो अपने को सॉल्ट मिलेगा प्रोडक्ट में और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी ओके आई होप देखो दिस इज ऑल केमिकल इक्वेशन यहाँ थोड़ा मगिंग और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ चलना होगा सो आई हैव टू वियर इट ओके नाउ अगेन अगर सपोज एक एग्जाम्पल अपने को मिल रही है जिसमें एल्युमिनियम ने देखा एल्मीनियम इज रिएक्टिंग विद डायल्यूट एसियल एलमिनियम इज अ मेटल एंड डायल्यूट एसियल इज अ एसिड सो वॉट विल यू वी गेट वी गेट एल्यूमिनियम का सॉल्ट है ना और हाइड्रोजन गैस साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस तो हमेशा आना है जब भी मेटल डायल्यूट एसियल के साथ रिएक्ट करेगा अगेन अगर इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखो तो एल के एलमिनियम के आउटर में मोस्ट वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन थ्री हैं तो ये एक एक uh, तीन मैक्सिमम दे सकता है और सी के पास अगेन सेवन है एक में तो एक की लॉस डेफिशेंसी है अगर ऐसे थ्री सी है तो थ्री की थ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिसंसी है तो एलमिनियम इसको पास करके और इस तरह से अगेन जैसे प्रीवियसली हमने देखा है वो ऐसे आप समझ लोगे है ना नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है किसका मेटल का हाइड्रोजन के साथ ओके okay? तो ये बहुत ध्यान से ध्यान रखना है इसका इक्वेशन बैकबोन इक्वेशन हमेशा याद रखना चाहिए कि मेटल जब भी कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा तो उसमें हमेशा अपने को याद रखना है मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगी ठीक है अब मेटल हाइड्राइड कैसे एन के साथ एच तो एन और सी के साथ एच तो सी अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चा हो सकता है किसी को आ, किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऊपर वाले में सोडियम के साथ वन हाइड्रोजन क्यों और नीचे कैल्शियम के साथ टू हाइड्रोजन क्यों जबकि अपने रिएक्टेंट में दोनों तरफ एच टू एच टू है तो प्रोडक्ट में ये वन क्यों है और अदर एच टू कैसे है, है ना सपोज अगर ऐसा कोई आ रहा डाउट तो मी क्लियर आपको पता है हमने प्रीवियसली ये डिस्कस कर रखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा उसका चार्ज न्यूट्रल होगी यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस हमको वहाँ रखने होंगे ठीक है अगर किसी भी रीजन से अगर हमारा इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं एटम को एटम को एक्स्ट्रा मतलब बैलेंस करते हैं कि हाँ भाई टोटल चार्ज अब जीरो तो होना चाहिए इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव यू नो कि एच पे मैक्सिमम क्या प्लस एच प्लस वन या माइनस वन हो सकती है ना ये हाइड्रोजन पे इतना ही चार्ज होगा कभी भी हाइड्रोजन माइनस टू नहीं हो सकता है ठीक है या प्लस टू नहीं हो सकती है तो वो गेन या लॉस माइनस वन का होगा या प्लस वन की होगी हाइड्रोजन की so, यहाँ पे है क्या है ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है हाइड्रोजन से मतलब इसको लूज करने की हाइड्रोजन से ज़्यादा कैपेसिटी अपने इलेक्ट्रॉन की लूज करने की तो इट इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन हाइड्रोजन ठीक है तो यहाँ पे दोनों लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन बट कंसिडरिंग कि यहाँ पे दो ही टाइप के आइटम है और अगर, अगर अपना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हिसाब से अपन देखें तो हाइड्रोजन के पास सॉरी uh, सोडियम के पास ज़्यादा टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए तो ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह यहाँ एक्ट करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा यानी कि इस पर अगर पॉजिटिव साइन आएंगे तो इस पर नेगेटिव साइन आएंगे तो अगर इस मॉलिक्यूल में ये प्लस वन है तो इसको माइनस वन होना चाहिए तो टोटल सोडियम कितने एक प्लस वन वाला अगर हमारे पास सोडियम है तो हमारे पास हाइड्रोजन कैसा चाहिए एक माइनस वन वाला तभी तो ये इक्वेशन न्यूट्रल होगी चार्ज के हिसाब से ठीक है नाउ अगेन अगर हम कैल्सियम वाले एग्जाम्पल में देखें तो आपको पता है कि कैल्शियम क्या प्लस टू मैक्सिमम अटेंड कर सकता है आ, आ, इसकी मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है कैपेसिटी तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से ही चलते हैं हम ये नहीं समझते हैं कि अगर प्लस उसके पास दो लूज़ करने की कैपेसिटी है तो वहाँ पे ये एक ही लूज़ कर रहा होगा मान के चलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल का टोटल लॉस हो रहा है ठीक है तो हमने देखा कि यहाँ प्लस टू है ओके वेरी गुड तो ये अगेन ये मोड इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो हमको जो हाइड्रोजन चाहिए वहाँ पे दो माइनस वाले चाहिए है ना पर एक कैल्शियम क्या कर रहा है सिंगल अगर कैल्शियम है तो वो प्लस टू लूज कर सकता है पर एक जो हाइड्रोजन है वो प्लस मैक्सिमम एक ही लू आ, गेन कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं गेन कर सकता है ठीक है तो इस कंडीशन में आ, इसको अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ इस कंडीशन को यहाँ पर तो वट आई एम की सी ए टू प्लस है ना और कितना हमारा है सी ए वन तो ये नेट हमको कितना दे रहा है टू प्लस है ना अगर हाइड्रोजन का करूँ मैं एक हाइड्रोजन गेन कर रहा है सपोज है ना तो हमको इसके बराबर टू प्लस को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे कितना चाहिए टू माइनस चाहिए तभी तो इन चार्ज इक्वल होंगे है ना सॉरी हाँ चार्ज तभी तो ये इक्वल होंगे तो हमारे को वो माइनस टू करने के लिए यहाँ पे हमको इसे टू से मल्टीप्लाई करनी होगी तभी तो ये माइनस टू होगा फिर ये दोनों इक्वल न्यूट्रल हो जाएंगे तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे टू लिया ठीक है और कैल्शियम को ऑलरेडी एक कैल्शियम बैलेंस कर ले रहा है इसको तो ये वन ही रह जाएगा ओके तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के अंदर हमको जो ज़्यादा फोकस करना है अपने को वो करना है बैक वन जो इक्वेशन उसके अंदर कि मेटल का हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन होता है तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलते हैं ओके आई होप ये क्लियर हो रही होगी आपको है ना अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वापस से थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको क्लियर ना हो ठीक है सब समझदार बच्चे हो है ना तो चलो अपन ने दो अभी रिएक्शन करा एक और करते हैं क्या कि मेटल ऑक्साइड मेटल जब अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या मिलता है ठीक है तो हमने यहाँ पर लिखा है रिएक्शन विथ वाटर तो हमने एक 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 इक्वेशन लिया है डैट इज़ पोटेशियम इज के प्लस के इज रिएक्टिंग विद द वाटर तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा के ओ एच प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट अच्छा ठीक है ये हमारा इक्वेशन है अब इसी इक्वेशन कैसे प्रोसीड कैसे हो रहा है कैसे कैल्शियम सॉरी oh, पोटेशियम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ठीक है तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है देखो पोटेशियम क्या है आ, यहाँ पे आ, प्लस के, इसके पास मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्लस, आ, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है प्लस वन ठीक है ओके नाउ वाटर वाटर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं इलेक्ट्रॉन जो अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर और दो हाइड्रोजन है है ना एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इधर बाइंड कर रहा है और दूसरा ये स्ट्रक्चर वाइज हमने दिखा दिया ओके नाव अब क्या होगा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी तो रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए क्या होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट आती है इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है चलो इनफैक्ट वो वैसे अभी जो हमारा इसके बाद का टॉपिक है ना हम वहाँ एक बार अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे पर चलो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो क्या होता है आपको पता है इन दोनों में ना ऑक्सीजन आपको शायद पता है एंड डोंट नो पर अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लेना कि ऐसा होता है ठीक है क्योंकि आगे जाके ये आ, इस, एक, एक बड़ी टॉपिक बनती है ये ठीक है तो सम करने के लिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ यू हैव टू ट्रस्ट मी कि मैं सही बोल रहा हूँ ठीक है तो मैं अब आपको बता रहा था कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है इट इज़ अ फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट ठीक है फर्स्ट अब जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन तो अब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर ठीक है नाउ देखो जिस जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ठीक है जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो वो जो एटम है वो जो बॉन्डेड ये जो बॉन्डेड कंडीशन है ना ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन में इट विल द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू विट इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इट सेल्फ ठीक है ये तो था स्टेटमेंट इस अब इसको समझो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से तो क्या होगा इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन और इसने भी इलेक्ट्रॉन दे एक बॉन्ड बनाया ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसको ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस अपने तरफ ये लेना चाहेगा ठीक है बेसिकली क्या हुआ कि इसने और इसने दोनों ने एक एक शेयर किया तो होना क्या चाहिए था कि ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए था क्योंकि दोनों ने तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट uh, किया है है ना तो इक्वली डोनेशन हो रहा है बट होता क्या है कि डोनेशन तो इक्वली है बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो इट विल अट्रैक्ट द ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ठीक है मोर पूरा नहीं चला जाएगा ऐसा नहीं होगा बॉन्ड टूट जाएगा बॉन्ड रहेगा बट जो इलेक्ट्रॉन का मेजर पोर्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस कारण से ना बॉन्डेड जो कंडीशन है उसमें रहते हुए ही ये वाला की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा शिफ्टिंग होगी और इधर कम होगी तो एक तरह से हम देखेंगे कि बॉन्ड तो है बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इधर ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज या डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस एटम पे आएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं और इस तरफ अगर ये माइनस चार्ज इस तरफ हम दिखा रहे हैं कि ज़्यादा होने की वजह से शिफ्ट होने की वजह से इस पर डेल्टा माइनस होगा तो ऑब्वियसली तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए हमको डेल्टा पॉजिटिव रखना पड़ेगा ठीक है तो इतना हो क्लियर हो गया अब जब ये कंडीशन आ जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ये बॉन्ड टूट जाता है ठीक है इसके ये इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को तो ये क्या होगा हाइड्रोजन h+ के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा और इस पे क्या आ जाएगी माइनस चार्ज किस पे ऑक्सीजन पे तो अब कैसा कंडीशन बना h o माइनस और ये है प्लस बस हो गई बॉन्ड बन गई देखो के ओ एच और इधर क्या हम दिखा देंगे इधर वीवी सो एच प्लस ये बाहर हो गया ठीक है बस तो ये हो गया एक तरीका रिएक्शन ऑफ वाटर रिएक्शन विथ वाटर किसका मेटल का लाइकवाइज हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है यू हैव टू लर्न देम अभी और समझने का काम तो हमने कर ही लिया है है ना सोडियम के साथ होगा तो एन एच प्लस हाइड्रोजन और एनर्जी कैल्शियम के साथ होगा तो सी ओ एच टू प्लस हाइड्रोजन एक और लाइन है जो ज़्यादा नहीं पूछते हैं चलो ठीक है मैं बताता हूँ कि कैल्शियम जो होता है वो लेस वायलेंटली मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज करती है ये आराम से रिएक्ट कर जाएगी ठीक है तो इस तरह से हमने देखा रिएक्शन ऑफ क्या वाटर विथ मेटल्स ठीक है तो हमको याद रखना है एक हाइड्रोक्साइड बन रहा है एक हाइड्रोजन का प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है और रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ थोड़े सी मैकेनिज्म के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और कुछ हमने रिएक्शंस भी देख लिए आप इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में एन सी आर टी ने इतना ही डिस्कशन किया आई थिंक कुछ पॉइंट्स में कम ही किया है बट हमारे पास जो मटेरियल uh, है जो हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है बोर्ड के लिए वो काफ़ी एम्पल है हमारे को अच्छे स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्चुअली भी अपन देखते जा रहे हैं और कंटेंट भी अपना आता जा रहा है कहीं कमी नहीं हो रही है है ना तो वरी करने की बात नहीं है यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर लेक्चर वीडियोस एंड कीप रिवाइजिंग योर नोट्स ओके तो इस तरह से अपन कर लेंगे ओके okay, सो so एक और रह गया है टॉपिक वो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ठीक है अब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब मेटल है तो कैसे करेंगे ये क्या है समझना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ जाता है और यहीं पे आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट ठीक है सो उसको भी अपन देखेंगे पर एक बार इसको थोड़ा समझना बी विथ मी ठीक है चलो पहले तो देखते हैं लिख क्या रखा है फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं इट इज़ रिटन यर कि

मोर रिएक्टिव मेटल्स ठीक है डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो अपने को क्लियर है अगर मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव समझ जाए तो अपने को चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी और एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो लिक्विड के फॉर्म में है, है ना एक्वस वाटरी वाटर उसके अंदर हो ठीक है डेट इज एक्वस ठीक है अब देखो अगर हमको इसको रिएक्शन के फॉर्म में अगर बताना हो कि ये चीजें होता कैसे ठीक है चलो ये तो स्टेटमेंट था हमने लिख दिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया बट एक्चुअली ये हमारे को जब आएगा इक्वेशन तो वहाँ ये ये सारी चीज़ें लिखी नहीं होंगी ओके वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे होगा क्या सो लेट्स मेक दैट थिंग इन इक्वेशन फॉर्म तो मेटल है सपोज हमने एक मेटल लिया जिसका ए है मेटल ए इट्स नेम इज़ ए और हमने उसको रिएक्ट करा रहा है अपन एक सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जो कि मेटल बी का सॉल्ट सोल्यूशन है ई होप इट इज क्लियर वी आर टेकिंग अ मेटल ए एंड उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी ओके तो ऑब्वियसली यहाँ पे इट्स वर्दी टू मैंसन की मेटल ए जो है ये मोर रिएक्टिव है ठीक है पता चले अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये पूरे कॉन्सेप्ट का तो धजिया उड़ जाएगी है ना तो अपन ने इसको मान लिया है कि ये मोर रिएक्टिव है कौन मेटल ए हमारा मोर रिएक्टिव है और दूसरा मेटल सॉल्ट सेंच तो क्या करेगा ए ए क्या करेगा बी को वहाँ से हटाएगा खुद बैठ जाएगा और मेटल बी को बाहर कर देगा टोटल टोटल डोमिनेंसी का केस चल रहा है इधर ठीक है इसको ऐसे समझो क्लास है होते ही अपने क्लास में होते हैं तो क्लास में क्या हुआ कि एक मान लो एक वीक स्टूडेंट फिजिकली बहुत ही वीक है वो बैठा हुआ है अपनी सीट पे ठीक है फर्स्ट बेंच के फर्स्ट सीट पे ठीक है एक बहुत ही बॉडी बिल्डर बंदा आ रहा है उसी के क्लास का उसकी बैचमेट उसका क्लासमेट आ रहा है ठीक है वो आया ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लो जीनियस भी है बहुत बॉडी फिज़िकली बिल्डअप बहुत अच्छा है वो आया और उसने क्या किया फ़र्स्ट बेंच से उस वीक जो फ़िज़िकली वीक और एवरेज बच्चा था उसको डिसप्लेस कर दिया उसको वहाँ से हटा के खुद बैठ गया ठीक है तो नॉर्मल लाइफ में ये कंडीशन एक कंडीशन और देख लो अगर अपन नेट याफ अप जी के कर रहे हैं और एक कॉम्पिटिशन में अपन अपेयर हुए तो जो ज़्यादा सीट्स तो लिमिटेड है वहाँ पे है ना सबको पता है हम सबको सो व्हाट विल हैपन कि जो ज़्यादा बच्चा जिस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी होगी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो मोर टाइम ऑफ रिवीजन कर रखा होगा ही विल डिस्प्लेस ऑल दोज स्टूडेंट्स वो जो जिन्होंने कम पढ़ाई कर रखी है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जो मेरी वीडियोज भी नहीं देखते हैं ठीक है ओके और uh, uh, और जिनका रिवीजन भी नहीं हो रखा है तो ओबियसली जो मोर रिएक्टिव मोर पावरफुल होता है वो हर जगह हर जगह लेस रिएक्टिव लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है दैट इज द नेचुरल फैक्ट नेचुरल फिनोमेना है ना ओके okay, अगेन तो कमिंग टू टू आवर टॉपिक मेटल ए है मोर रिएक्टिव है और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी है वहाँ से उसने बी को रिप्लेस करके खुद चला गया और मेटल भी बाहर आ गया ठीक है अब हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट बचते हैं कि भैया ये मेटल रिएक्टिव मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव हमें पता कैसे चलेगा क्या ये क्वेश्चन में लिखी हुई रहेगी कि दिस मेटल इज़ मोर रिएक्टिव लाइक आई रोट एयर नो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे हमको अपनी याददाश्त को यूज़ करनी पड़ेगी ठीक है सो आई वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहाँ से हमको मिलेगा रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल का ट्रेंड ठीक है लेकिन उससे पहले एक रियल इक्वेशन केमिस्ट इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन ठीक है देखो अब इस एग्जाम्पल में अपन क्या देख रहे हैं कि जिंक इज अ मेटल ठीक है और कॉपर सॉल्ट कॉपर है जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट ठीक है तो so, जिंक हम यहाँ पे नाउ आई एम टेलिंग यू कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर दैट इज द फैक्ट ठीक है वी विल सी इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्या होगा जिंक विल रिप्लेस कॉपर इन इट्स सॉल्ट सोल्यूशन देखो और कॉपर बाहर आ गया है ना तो अगर ये यहाँ पे अगर जेडन होता और यहाँ कॉपर होती अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूँ इस एरो को मैं ऐसे कर दूँ सपोज है ना हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये कॉपर जिंक को रिप्लेस करती नहीं बिकॉज इट इज़ इन मोर रिएक्टिव कंडीशन तो लेस वाला कैसे रिएक्टिव कर लेगा है ना ये तो आई टी जी इन नेट सीट कन्फर्म कर रहा है एक कम एक वैसा बच्चा जिसने अपनी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया रिविज़न नहीं किया है उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो हाउ विल इट रिप्लेस हिम नहीं कर पाएगा ना लाइक वाइज तो यहाँ पे अगर ये केस होता तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता कोई प्रोडक्ट नहीं बनती बट यहाँ पे कंडीशन चेंज है तो यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया ओके आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू यू है ना तो अपन क्या करेंगे अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे ताकि ये जो हमने एग्जाम्पल्स करे हैं और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इनको हम अच्छे से समझ सके उनको रैशनली अप्लाई करने का ट्राई कर सकें ठीक है सो नाउ लेट्स मूव बैक टू द रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है पर इट्स रिटर्न इट्स का प्रॉपर नाम होता है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज स्पेशली आपके इलेवन ट्वेल्थ के अंदर ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही न्यूमेरिकल आती है तो अब भी अपन खैर उतना नहीं जाएंगे आई हैव रिटन एयर वॉट एवर इज गिवेन इन एन सी आर टी मैंने यहाँ पर एन सी आर टी को फॉलो किया ऑफकोर्स हमारा एन सी आर टी से ही बेस्ड हमारा चैनल है तो वी आर टोटली फोकस्ड ऑन एन सी आर टी पर बिफोर स्टार्टिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पार्ट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर और एक डिस्क्लेमर भी मैं डाल दूँ कि ये जो एन सी आर टी ने आप, आपके बुक में भी देखना आप जो भी uh, उन्होंने मेटल की एलिमेंट्स uh, डाल रखे हैं वहाँ पे डैट इज़ नॉट टोटली करेक्ट बीच में बहुत चीज़ें गायब हैं सीक्वेंस के अंदर बट uh, वो आपके लिए इस टाइम पे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है टेंथ स्टैंडर्ड के व्यू से हाँ इलेवन ट्वेल्थ होता तो मामला अलग होता तो वो एक बात है जो एन ने पोटेशियम से स्टार्ट किया है पर एक्चुअली में ये लिथियम से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है तो अपन क्या करेंगे एन uh, सी को ही एकदम भगवान की तरफ फॉलो करेंगे सो लेट्स फॉलो द पहले ट्रेंड हम देखते हैं फिर इसके अंदर जो हिडन फैक्ट्स हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे तो पहले तो आप इसको लिख लो अच्छे से पहले यहाँ तक देख लो है ना सबसे पहला स्टार्टिंग क्या हुआ है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लीड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा अब है ना ओके और हाइड्रोजन के बाद फिर कुछ मेटल्स हैं तो आप ना क्या करना है यहाँ पे पॉज करके सब देख लेना और उसके बाद आप अपने नोटबुक में लिख लेना या फिर आप एनसीईआरटी भी डायरेक्ट देख लो सेम चीज है ठीक है तो एन के अंदर भी यही है हमने भी वही किया है ठीक है तो मैंने यहाँ आप देखो हाइड्रोजन को एक गोला करके लिखा हुआ है इट इज़ अ रेफरेंस तो जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर बात करते हैं ना मतलब रिएक्टिविटी का वो एक कैसे जैसे हाइट जैसे एक रिलेटिव क्वांटिटी है हम किसी को नहीं कह सकते ये लंबा है या ये छोटा है क्योंकि हाइट में हमको किसी के साथ कंपेयर करना होता है लाइकवाइज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है इंडिविजुअल आइटम को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है हमको बताना पड़ेगा वी हैव टू कि कंपेयर इट कि की, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है लाइकवाइज हमने कॉपर सल्फेट और जिंक का देखा हम वह, वहाँ पे कंपेरिजन हमने किया ठीक है इंडिविजुअली हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि एक ट्रेंड है और ट्रेंड कंपेरिजन से ही आती है लाइक like, है ना सो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या होता है एक रेफरेंस पॉइंट बनता है जिसके रेस्पेक्ट में हम ये बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाँ ये रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव है अब उसके अंदर भी ट्रेंड देखेंगे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है कि हम कितना रिएक्टिव है रिएक्टिविटी उसके अंदर कैसी है ठीक है और अगर हाइड्रोजन से उसकी रिएक्टिविटी कम है तो उसको हम कहेंगे कि ये लेस रिएक्टिव है ठीक है ओके नौ एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे हम पोटेशियम से नीचे की तरफ हम आते जाएंगे तो एक जो कॉमन ट्रेंड आएगा वो है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो अगर इस वाले आ, मतलब आ, जो ट्रेंड है एन में दे रखी है तो अगर इस वाले ट्रेंड में हमको हाईएस्ट अगर रिएक्टिविटी कोई पूछे तो अपन कह सकते हैं कि पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एटम ओके इन दिस पर्टिकुलर टेबल ट्रेंड और अगर लिस्ट का बात आए तो अपन देखो नीचे में सबसे नीचे गोल्ड आता है लिस्ट रिएक्टिव ठीक है तो एक तो ट्रेंड हमारे को मिला कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम पोटेशियम टू गोल्ड तो रिएक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज करेगी डेट्स ओके एवरी वन ओके नाउ आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ लिखी हुई है उन पर थोड़ा फोकस करते हैं अपन कि आ, फर्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ऑब्वियसली क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर में है तो मोर रिएक्टिव ही होगा ओके okay? हाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो जब सॉल्ट uh, सॉल्यूशन में रिएक्ट विथ एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ वो जब रिएक्ट करेंगे दे विल गिव हाइड्रोजन अब देखो तुम यहाँ पे क्या है जिंक है है ना तो जिंक अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन आएगा ऐसा बोला हुआ है ठीक है वो हमने इससे पहले जो डायल्यूट एस के साथ नहीं किया था याद है ना वहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा था साइड प्रोडक्ट में तो वो बात वो एक एग्जांपल देख लेना ठीक है नेक्स्ट जो हाइड्रोजन से नीचे हैं दैट दे विल बी लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ओबियसली इसलिए तो क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे रेफरेंस पॉइंट ही हमारा हाइड्रोजन है और दे विल नॉट दे डो नॉट गिव हाइड्रोजन विथ डायल्यूट एस जब हम उनको एच जी को डायल्यूट एस के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा वो उसमें हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी मतलब इन सब से, इन सबको अगर हम एक एक करके अगर डायल्यूट एस के साथ वन बाई वन अगर आ, क्या कहते हैं रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको आ, जो प्रोडक्ट होगी जो साइड प्रोडक्ट है उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में ठीक है आई होप ये एक चीज क्लियर हो कि इस 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 वीडियो को पॉज करके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना आप ओके ना नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो अपन देखते हैं कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे ठीक है वो कैसे कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे जैसे पोटेशियम सोडियम वी विल नॉट एबल टू फाइंड देम आइसोलेटेड फॉर्म में ठीक है अकेला हमको सोडियम पोटेशियम नहीं मिलेगा नेचर में ठीक है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी इतनी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो तो रिएक्ट कर लेंगे ठीक है तो अपने को यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर के मेटल है दे विल बी नॉट बी एवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर अब अगर नीचे की बात करनी हो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं तो बॉटम मेटल्स अकर्स फ्री इन स्टेट है ना जो नीचे वाले हाइड्रोजन से नीचे के हैं वो फ्री स्टेट में हमको मिलेंगे अब फॉर एग्जाम्पल देख लो गोल्ड गोल्ड के साथ ऐसा होता है कि लेड भी मिले या फिर एल्युमिनियम के साथ मिले नहीं गोल्ड माइन से भी ऐसे निकलता है है ना नेटिव फॉर्म में निकल जाती है आइसोलेटेड फॉर्म में निकलती है सिल्वर मरकरी ये सब आइसोलेटेड ही मिलते हैं ठीक है तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हमें उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में नहीं हमको मिलेंगे लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे Uh, जैसे हो गया कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये फ्री स्टेट में हमको नेचर में मिलेंगे कंबाइन स्टेट में नहीं मिलेंगे ओके okay? सो so, आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्लियर हो गया होगा एक छोटा सा पॉइंट और है एक छोटी सी टॉपिक है एनसीईआरटी में बहुत डिस्कशन नहीं है पर मुझे लगा कि मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है आपके साथ डिस्कस करने को ठीक है तो वॉट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स अभी तक सारी कहानियाँ मेटल्स की चल रही थी तो अब थोड़ी सी बात अपन करेंगे नॉन मेटल्स के अंदर ओके सो वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ कि इट इज़ हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर मतलब अभी हमने डिस्कस किया था ना वो के वाला जहाँ पे हम पोटैसियम के साथ वाटर का रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने थोड़ी जी डिस्कस की थी एक्जैक्टली exactly, तो वही बात यहाँ पर अपन थोड़ा डिटेल में करेंगे ओके सो सर अगर हमारे को कोई लिखने को कहे कि वॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और डिफाइन इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो वी विल सेट इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट मतलब बॉन्ड जब फॉर्मेशन है उस कंडीशन में जो उस बॉन्ड के अंदर जो एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द सेड इलेक्ट्रॉन पेयर टू वोट इट्स जैसे हमने देखा था ऑक्सीजन खींच रही थी है ना जब बॉन्डेड फॉर्म में थी तब तो ल, इसको थोड़ा सा इस बात को ना अपन थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है ठीक है थोड़ा तो थो अपन को आइडिया है लेकिन मोर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाते हैं अपन तो सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कैपिटल ई e, और यहाँ सब्सक्रिप्ट में एन कैपिटल एन होगी तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है ठीक है अच्छा एक एग्जांपल मैंने यहाँ दो एग्जांपल इनफैक्ट मैंने लिया है ऑफ uh, कोर्स कि यहाँ पे एक बॉन्डेड कंडीशन है वेयर टू एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट वन इज ए एटम एंड बी इज बी एटम दोनों बॉन्डेड कंडीशन में हैं ओके okay? और यहाँ पे क्या हुआ है ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है बी ने भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन दी है दोनों ने मिलकर एक बॉन्डेड बॉन्ड फॉर्मेशन किया है और ए इधर है और बी है लेट अब कंडीशन यहाँ आता है कि सपोज मान लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है ठीक है इज़ द रिप्रेजेंटेशन ओके तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से बहुत ज़्यादा है ठीक है अगर ऐसा कंडीशन है तो जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया वो कहीं बीच में ही होगा है ना तो वो क्या होगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए डैट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स ए ठीक है ऐसा शिफ्टिंग होगा और इस शिफ्टिंग की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा समझ में आया ये तो पीछे भी किया है ना अब सपोज एक एग्जाम्पल और लिया हमने कि एक अलग कंडीशन है जहाँ पे ए एटम और सी एटम बॉन्डेड कंडीशन में दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपने और उनके कारण एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है नाउ अगेन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ए और सी के बीच में कहीं होगी बट लेट अ कंडीशन वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज मच मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए तो इस कंडीशन में क्या होगा अगेन द सी विल ट्राई टू सी मतलब सी ओके एस एच ई नी अगर मैं प्रोनउंसिएशन ऐसा आ रहा हो तो डोंट गेट कन्फ्यूज तो सी अल्फ़ावेट जो है एटम सी है तो वो क्या करेगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आ, उसके अंदर टेंडेंसी आएगी ड्यू टू तो हाई ई एन वो अपनी तरफ शिफ्ट कराए है, है ना तो अगेन इट विल बी लाइक दिस ये कंडीशन वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट होंगे तो सी पे माइनस और ए पे पॉजिटिव तो अगर आप एक चीज़ को देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए सेम एटम ए को हमने लिया पर इस कंडीशन पे इस पे माइनस आ गया और इस कंडीशन में इस पे प्लस आ गई कैसे क्योंकि ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एन इज अ रिलेटिव थिंग ठीक है ये ए के इंडिविजुअल ई एन पे नहीं डिपेंड किया साथ वाले पे भी किया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका एन कैसा है ज़्यादा है या कम है तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी बिहेवियर भी चेंज हो रही है एक जगह ये पॉजिटिव की तरह एक्ट किया और एक जगह ये नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की तरह एक्ट किया ठीक है तो ये केमिकल बॉन्डिंग ऑफ नॉन मेटल के अंदर हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ओके अब इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में कि ये ना अनायन के फॉर्म में आते हैं देखो मेटल्स के अंदर हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो वहाँ पे उनका बनता है कटाइन का फॉर्म form, फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाती है उनको लॉस करने से पर यहाँ पे क्या होता है नॉन मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से यह क्या करते हैं गेन करते हैं दूसरों से तो इनको ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर डेवलप होता है जितना ये लेंगे इलेक्ट्रॉन उतने नेगेटिव चार्ज आएंगे और उसकी वजह से इनका अनायन का फॉर्मेशन होगा एक बात और आती है इंपॉर्टेंट कि जो नॉन मेटल है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे यानी कि जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपना पेट भरे यानी खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को लॉस पहुँचाए यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराए यानी कि और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए और खुद को रिड्यूस कराए मतलब खुद के अंदर गेन करवाए तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का अब इसके एग्जाम्पल से एक बार करो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो डाउट आ ही रहे होंगे ऐसे कैसे सर कुछ दिखाओ हमारे को तो देखो भाई ये क्या है नाइट्रोजन है ठीक है आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर इसकी सेवन आती है ऑब्वियसली अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जो इनमें रखे होंगे वो किस फॉर्म में होंगे टू कॉमा फाइव फाइव इज टू सेवन तो अगर इस बंदे को आठ तक जाना है तो तीन का गेन करना होगा या फिर पाँच का लॉस करेगा तो हीलियम का इसको मिलेगा पर पाँच का लॉस नहीं करेगा ये नॉन मेटल है ना ये लॉस में नहीं बिलीव करता है ये गेन में बिलीव करता है तो ये क्या कहेगा कहेगा ठीक है मेरे को तीन इलेक्ट्रॉन दे दो तुम तो अगर इसको कहीं से भी तीन इलेक्ट्रॉन मिलती है तो ये देखो इस कंडीशन में आएगा तीन माइनस मिला है इसके पास एस इस सी माइनस और नाउ इट विल इट विल एक्ट एज इट इज़ एन अन ओके नाउ अगेन ऑक्सीजन हमारा प्यारा ऑक्सीजन कितना है एट एटॉमिक नंबर है इसकी ओके okay? ओबियसली इसके पास जो आ, इसके इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो टू कॉमा सिक्स होगी यानी कि अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके ऑक्टेट का कंडीशन आ जाएगी ओब्वियसली कहीं से इसके पास सपोज आ गई दो इलेक्ट्रॉन तो वी विल रिप्रेजेंट देम एज अ माइनस टू और इट इज़ एन अनायन ओके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना ईजी है समझना ओके okay, नाव एक हम बस लेंगे एक अपने पास कि मेटल अगर नॉन मेटल है एम इज़ नॉट मेटल इट इज़ एयर नॉन मेटल ओके और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो इट विल फॉर्म एम ओ दैट इज़ नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सी ओ टू गैस बनाए देखो ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं है हमारे पास मेटल का इंपॉर्टेंट होता है बट ये चलो ठीक है थोड़ा सा एक अपन कर लेते हैं साथ में वैसे एन सी आट इज़ नॉट इन डिस्कस इट इन डिटेल तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि नॉन मेटल अगर ऑक्साइड है क्योंकि हमने देखा था कि अगर मेटल का ऑक्साइड होता है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अलकली बनाता है याद है ना बट ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये बनाएंगे एसिड जैसे सीओ टू प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड का होता है ठीक है तो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेटल में कुछ सॉरी नॉन मेटल में कुछ ऐसा ज़्यादा डिटेल नहीं है सो आई एम ऑल्सो बिकॉज ऑफ डैट कि हमारा सिलेबस ही परमिट नहीं करता है तो आई वॉन्ट गो इन मच डिटेल क्योंकि वो टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं है इट्स बेटर टू यूज समवेयर एल्स हाँ एक चीज़ जो अब रह गई है दैट इज़ यूजेज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट इज़ टोटली मगिंग पार्ट उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं चाहिए सो दैट वाई आई एम स्कीपिंग इट क्योंकि वो हर टेक्स्ट बुक हर रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगी सो so, uh, uh, वहाँ से आप कर लेना इसे सो इट डजेंट रिक्वायर एनी क्लैरिटी ऑफ थाट अगर फिर भी कुछ ऐसा रह जाए यू कैन कमेंट इट आई विल अगर वैलिड uh, होगी तो आई विल टेक इट एंड आई विल डिस्कस दम ओके सो Uh, from the next we will discuss the bonding part in the metals and non metals okay so thank you for it for watching this